स्प्लिट एसी आउटडोर का कनेक्शन कैसे किया जाता है, चाहे सिंपल एसी हो या फिर फोर वे रिवर्सिंग वाल्व के से होकर के हो या फिर कॉन्ट्रेक्टर से हो, आउटडोर आउटडोर यूनिट का कनेक्शन कैसे किया जाता है। मेन आउटडोर ही होता है, इंडोर से तो आउटपुट सप्लाई निकलता है जो कमांड लाइन का होता है, सीधा आउटडोर में जाता है, कंप्रेसर स्टार्ट होता है, लेकिन सब कुछ ना मेन जो वायरिंग होता है वो आउटडोर में ही होता है। तो समय को वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल वीडियो को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि आउटडोर यूनिट का कनेक्शन कैसे किया जाता है कैपेसिटर से कंप्रेसर और कैपेसिटर से आउटडोर फैन मोटर के लिए। कंप्लीट वीडियो को देखिए, और उससे पहले मैं बताऊंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो ये हमारे पास आउटडोर है स्प्लिट एसी का, डेढ़ टन का, मैं पहले से स्क्रू खोल के रखा हूँ ताकि यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो। इस कवर को हम खोल देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे इसकी वायरिंग, इसकी सर्किट डायग्राम हम समझेंगे कि इसमें देखिए ना, वायर ज़्यादा से ज़्यादा लगा हो तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सा होता है ये वायरिंग को समझना। कोई भी एयर कंडीशनर हो, स्प्लिट हो या फिर विंडो हो, कोई भी एयर कंडीशनर हो, बहुत ही आसान होता है समझना। ये स्प्लिट एसी जो डेढ़ टन का है, ये एक सिंपल एसी है, सिंपल एसी है इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसमें देखिए दो, एक न्यूट्रल एक लाइन, दो ही वायर आ रहे हैं इंडोर से। मेन कनेक्शन इंडोर में है और इंडोर से लेकर के आउटडोर को ये एक एक ये वायर आ रहा है, दो वायर यानी कि एक रिले से आ रहा है और एक जो दूसरा वायर है हमारा एक न्यूट्रल से आ रहा है, दो वायर हैं। अब इसकी सर्किट डायग्राम देखिए कैसे है। सबसे पहले क्या करना है ना, इसका कैपेसिटर देखिए गिरा हुआ है नीचे, यहाँ से इसे हम निकाल लेते हैं कैपेसिटर को। यहाँ पर देखिए हल्का हल्का करंट आ रहा है इसमें, हो सकता है कैपेसिटर वीक होने की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि इंडोर चालू है नीचे, नहीं चालू नहीं मतलब रिमोट से बंद है, लेकिन पूरा कनेक्शन कटा हुआ नहीं है। इसका कनेक्शन देखिए मेन ना, सबसे पहले हमें क्या कैसे चेक करना है, इसका जो कंप्रेसर का वायर होता है तीन वायर, उसे पकड़ना है कंप्रेसर का। जो कैपेसिटर में देखिए दो पॉइंट हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, ये देखिए एक इस तरफ है एक दूसरे तरफ है, कैपेसिटर में दो पॉइंट हैं। अब इसका कनेक्शन कैसे समझना है, इसमें है क्या, पहले ये समझिए कि इस आउटडोर में स्प्लिट एसी की जो आउटडोर है इसमें क्या है, एक फ़ैन मोटर है एक कंप्रेसर है, बस दो ही चीज़ है इसमें। और कुछ एयर कंडीशनर ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि एक फोर वे रिवर्सिंग वाल्व लगा होता है, कॉन्ट्रेक्टर लगा होता है, बाकी कनेक्शन सेम होते हैं। कंप्रेसर के तीन वायर को पकड़ना है, ये देखिए कंप्रेसर के तीन वायर जो हैं, ये एक वायर है ये कॉमन का जो कि डायरेक्ट कहाँ से जा रहा है, यहाँ से एक वायर कंप्रेसर का जो कॉमन है यहाँ से जा रहा है, लाइन जो रिले से निकल कर के आ रहा है कॉमन, डायरेक्ट चला गया कॉमन में, कंप्रेसर के कॉमन में चला गया। अब दूसरा वायर हमारा बचता है क्या, एक स्टार्टिंग बचता है एक रनिंग बचता है, तो वो कहाँ से जाएगा, ये देखिए ना, अब एक एक सप्लाई यहाँ चला गया सीधा कॉमन में चला गया, कंप्रेसर के कॉमन, कंप्रेसर का कॉमन हो गया। अब एक सप्लाई हमें रनिंग में देना है एक स्टार्टिंग में देना है, तो एक लाइन सप्लाई हमारा चला गया कंप्रेसर के कॉमन में, दूसरा न्यूट्रल जो बचता है न्यूट्रल हमें देना है कंप्रेसर के रनिंग में। तो न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से देखिए ये ना, ये ब्लैक कलर का वायर, ये ब्लैक कलर का वायर ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है ये कैपेसिटर में। अब जहाँ पे ब्लैक वायर जो भी कोई कलर कोई भी हो, जहाँ पर कैपेसिटर में एक वायर लगे होते हैं उसके ठीक सामने से उसी पॉइंट में से देखिए एक पॉइंट में ब्लैक वायर यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा वायर यहाँ पर देखिए रेड कलर का लगा हुआ है, ये निकल करके जा रहा है, ये एक कंप्रेसर का रनिंग है, रेड वायर कंप्रेसर का रनिंग है, रनिंग हो गया हमारा कॉमन हो गया। अब बचता है क्या, एक बचता है स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग जिस कैपेसिटर में जहाँ से रनिंग देते हैं उसके सामने वाले पॉइंट से, यहाँ से हमने रनिंग दिया है
और इसके सामने वाले पॉइंट से हमें स्टार्टिंग उठा के दे देना है। ये देखिए ब्लू कलर का वायर, ये हमारा स्टार्टिंग है। ये कंप्रेसर का कनेक्शन ख़त्म हो गया। अब हमारा क्या बचता है? हमारा बचता है फ़ैन मोटर का। फ़ैन मोटर का कनेक्शन हमें कैसे देना है? तो इसका फ़ैन मोटर का कनेक्शन, ये हमें वायर पकड़ना है फ़ैन मोटर का। अब इसमें देखिए ना, फ़ैन मोटर में तीन वायर होते हैं, जो कि एक रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन होता है। एक सप्लाई हम कॉमन में देते हैं और एक दो स्टार्टिंग और रनिंग जो है, ये हमारा हो गया। यहाँ पर देखिए, ये हमारा रनिंग और स्टार्टिंग हो गया। अब एक सप्लाई हमें यहाँ से निकाल करके कॉमन में देना होता है। बस तीन वायर होते हैं, ये समझना। इसमें बस और कुछ भी नहीं होता है। ये फ़ैन मोटर हमारा रनिंग और स्टार्टिंग दे देते हैं, ये हो जाता है। बस ये समझना होता है कि ये सिंपल सा कनेक्शन है। देखिए, ये चीज़ ध्यान में रखिए, इसमें कॉन्टेक्टर नहीं है और इसमें और भी फोर वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा ये एसी है। इसमें सिर्फ कंप्रेसर को रन करना होता है बस। थोड़ा सा आराम से इसे हम पकड़ करके रख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें करंट आ रहा है थोड़ा थोड़ा। क्योंकि मेन एमसीबी से नहीं बंद है ना, तो इसमें करंट आ रहा है। इसके सिंपल से कनेक्शन होते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से फ़ैन मोटर के लिए यहाँ से निकल करके जा रहा है। यहाँ से फ़ैन मोटर को एक कॉमन में देना होता है और स्टार्टिंग और रनिंग का जो होता है वो हम कैपेसिटर में यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर ये देखिए, कैपेसिटर में ये दो पॉइंट है, एक रेड और एक येलो। ये दो वायर हमारे रनिंग और स्टार्टिंग के हैं, और एक पॉइंट हमारा जो रनिंग के लिए यहाँ से चला गया है निकल करके यहाँ पर। यहाँ से इस तरह से इसके कनेक्शन होते हैं। मैं इसके कनेक्शन में बता चुका हूँ कंप्लीट में कि फ़ैन मोटर का कनेक्शन कैसे होता है, उसे आप देखिए और समझिए कि किस तरह से होता है। और ये कंप्रेसर के तीन वायर हैं, मैं पहले समझा चुका हूँ, फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर वायर कटा हुआ है, देखिए यहीं से करंट हल्का हल्का मार रहा था। देखिए वायर कटा हुआ है, यहाँ पर टेप मारना ज़रूरी है। तो ये रोटरी कंप्रेसर है, बस इसके कनेक्शन ऐसी इतना ही है, सिंपल एसी है और कुछ भी नहीं है इसमें। अब जिस दिन मैं कॉन्ट्रेक्टर वाला एसी और फोर वे रिवर्सिंग वाला एसी जब मैं खोलूँगा तब उसे समझाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर देखिए, एक लाइन है, एक न्यूट्रल है, बस दो ही चीज़ है। लेकिन उस एसी में क्या होता है, एक न्यूट्रल, एक लाइन, एक वी, एक सी, एक एफ, यानी कि फोर वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए वी होता है, सी के लिए कमांड लाइन के लिए सी होता है कंप्रेसर के लिए, और जो हमारा फ़ैन मोटर के लिए होता है वो एफ़ होता है। यानी कि पांच वायर वहाँ से निकलते हैं। उसको जिस दिन मैं खोलूँगा उस दिन मैं समझाऊँगा। यहाँ पर वो एसी नहीं लगे हुए हैं, जितने भी हैं यही सिंपल एसी यहाँ पर लगे हुए हैं। जिस दिन पांच वायर वाला मैं खोलूँगा उस दिन मैं समझाऊँगा। उसमें भी बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है ज़्यादा उसे समझना। तो अभी मैं इसे बंद कर देता हूँ। इसमें एक फ़ैन मोटर है, कंप्रेसर है, बस इतना सा सप्लाई होता है कैपेसिटर के साथ में। आप देखिए, इस इमेज को आप कैप्चर भी कर सकते हैं, और ऑलरेडी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो मुझे लगता है कि डेढ़ टन स्प्लिट एसी के आउटडोर का कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, जो कि सिंपल कनेक्शन होता है। इसके बाद दूसरे वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो पांच वायर होते हैं, चार वायर होते हैं, उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं आउटडोर को, इंडोर से लेकर के आउटडोर को, और जिसमें फोर वे रिवर्सिंग वाल्व लगा होता है उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, कॉन्टेक्टर लगा होता है उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और लास्ट में बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।